अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया, उसमें अप्लाई करेंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर हुई तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया गया है कि अग्निवीर के जरिए ही तीनों सेनाओं की भर्तियां होंगी। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया कि पिछली लटकी हुई भर्तियों का क्या होगा, क्या अग्निवीर के अलावा रूटीन भर्तियां जारी रहेंगी, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। ये जो 2 साल की डिले करी गई है ना, 21 साल से 23 साल की, ये उन्हीं के लिए करी गई है जो जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतिक्रिया के, जैसे एजी साहब ने बताया, 3 स्टेजेस हैं। ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने नहीं दिया। ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनको, उनकी वजह से ये मौका दिया जा रहा है कि 2 साल और, बिकॉज वो पिछले 2 साल में एजड हो गए हैं, तो वो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। बस यही प्रावधान कर रहे हैं हम कि वो अग्निवीर स्कीम के साथ, तीनों सर्विसेज के साथ सेम चीज है कि वो हमारे साथ जुड़े, हाउएवर अग्निवीर स्कीम के साथ, एंड उन्होंने जो हमारे साथ काम करा है, उन्होंने जो पहले करा था। देखिए, आप में से अगर मैं पूछूं ना कोविड के शिकार कितने हुए हैं, तो मैं पूछना नहीं चाहता, बट आपके कई सारे हाथ उठेंगे। उस कोविड की वजह से क्या आपकी शरीर में नुकसान पहुंचा है, हमें नहीं पता। हमने 1.5 साल से तो किसी को देखा भी नहीं है मेडिकली। सो ये सब चिंताएं हमारे पास हैं। आफ्टर ऑल हमको आगे लेके किनको जाना है, फिट पीपल को, डिसिप्लिन पीपल को। डिसिप्लिन तो हम करवा लेंगे, बट फिट तो अपनी अंदर की शक्ति है, तो ये हमारे साथ बच्चे आएंगे। इन्हीं की वजह से हमने ये 2 साल का प्रावधान करा है, बट वो अग्निवीर के तौर पे ही आएंगे। उनसे वॉलंटियर सिस्टम हम, मतलब उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेंगे या नहीं। इन एनी केस एजी ने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन करी जा रही है, एंड उसके पूर्व अप्लाई करेंगे। थैंक यू। रूटीन रिक्रूटमेंट वाला जो पूछा था मैंने कि क्या रूटीन रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा, क्योंकि अग्निवीर तो आप कुछ परसेंटेज ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना। सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब सारी भर्तियां अग्निवीर के जरिए ही होंगी। जिसने चाहे पहले जिस भी भर्ती में हिस्सा लिया हो या फिर कोई भी टेस्ट दिया हो, उसको दोबारा अग्निवीर के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया, उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि तीनों सेनाओं के लिए अग्निवीर स्कीम के जरिए ही आगे की भर्तियां कराई जाएंगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।